हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल दाल बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। तो एक बार ज़रूर आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स वेजिटेबल दाल बनाना। मिक्स वेजिटेबल दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पालक। पालक को अच्छे से धोकर मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे लिया है मैंने आधी कटोरी अरहर की दाल, इसे भी मैंने धो लिया है। तो इसके लिए चाहिए सरसों का तेल, हींग, देसी घी, हल्दी, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। टमाटर को ऐसे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। दो हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने लिया है गाजर। गाजर को ऐसे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और हरा मटर। और गार्निश के लिए धनिया। तड़के में मैं यूज़ करूँगी जीरा, सूखी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक। लहसुन को मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो चलिए मिक्स वेजिटेबल दाल बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, इसमें सारा पालक डाल देते हैं। सारा पालक डाल दिया है मैंने, अब इसमें डाल देते हैं अरहर की दाल। अब डालेंगे गाजर, हरा मटर, दो हरी मिर्च, टमाटर, आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। आप डाल देंगे इसमें दो कटोरी पानी। आप डाल देते हैं इसमें हींग, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे ज़रा सा सरसों का तेल, इससे टेस्ट दाल का बहुत ही अच्छा आता है और ये जल्दी पक भी जाता है। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कुकर को बंद कर देते हैं। दाल को 5 सीटी आने तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे। पांच सीटी आ गया है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, इसका प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर निकल गया है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मिक्स वेजिटेबल दाल बनकर तैयार है। इसे मिक्स कर लेते हैं, तो देखिए कितने अच्छे से दाल पक गया है और ये बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं जीरा, दो सूखी मिर्च। कुछ सेकेंड मैंने भून लिया है जीरा और सूखी मिर्च को। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक और प्याज और इसे भी भून लेते हैं। इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि प्याज का कलर सुनहरा हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर सुनहरा हो गया है, अब गैस को बंद कर देते हैं। दाल के लिए तड़का तैयार है, अब दाल को इसमें डाल देते हैं। सारा दाल डाल दिया है मैंने, अब इसे मिला लेते हैं। दाल को मैंने तड़के में अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया मिक्स वेजिटेबल दाल बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। दाल को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, अब इसे धनिया से गार्निश कर देते हैं। दाल को गार्निश करने के बाद इस पे 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। मैंने दाल में देसी घी डाल दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया मिक्स वेजिटेबल दाल बनकर तैयार है, और इसको बनाना भी बहुत इजी है। ये दाल जितना खाने में टेस्टी लगता है उतना ही हेल्दी भी है। तो एक बार ज़रूर आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि मिक्स वेजिटेबल दाल की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।